नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर स्पेशल डे और लोहड़ी की शुभकामनाओं के साथ मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। लोहड़ी उत्तर प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है। यह मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। मकर संक्रांति के पूर्व संध्या में इस त्यौहार को उत्साह रहते मनाते हैं। रात में खुले स्थान में परिवार और आस पड़ोस के लोग मिलकर आग के किनारे घेरा बनाकर बैठते हैं। इस समय रेवड़ी, मूंगफली, लावा आदि खाए जाते हैं। क्या है लोहड़ी का महत्व, इस रिपोर्ट में देखिए। जनवरी को पूरे देश में लोहड़ी का त्योहार मनाया जा रहा है। फसलों का त्योहार लोहड़ी है। आमतौर पर इसे सिख और पंजाबी परिवार मनाते हैं। मकर संक्रांति से पहले मनाए जाने वाले इस लोहड़ी के त्योहार को लोग बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के योगाग्नि दहन की याद में ही इस पर्व पर अग्नि जलाई जाती है। इस अवसर पर विवाहित बेटियों को मां के घर से त्योहार, वस्त्र, मिठाई, रेवड़ी, फल आदि भेजा जाता है। यज्ञ के समय अपने जमाता शिव का भाग न निकालने का दक्ष प्रजापति का प्रायश्चित ही इसमें दिखाई पड़ता है। लोहड़ी शब्द ल से लकड़ी, ओ से गोहा यानी सूखे उपले और डी से रेवड़ी, लोहड़ी का ये मतलब होता है। वैसे तो लोहड़ी का त्योहार सिखों का होता है। पंजाब में लोहड़ी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन ये त्योहार सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तमिल हिंदू मकर संक्रांति के दिन पोंगल का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का त्योहार मकर संक्रांति की पूर्व संध्या को पंजाब, हरियाणा व पड़ोसी राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है। लोहड़ी पंजाबियों के लिए खास महत्व रखती है। छोटे बच्चे लोहड़ी से कुछ दिन पहले ही लोहड़ी के गीत गाते हैं और साथ ही लोहड़ी के लिए लकड़ियाँ, मेवे, रेवड़ियाँ, मूंगफली इकट्ठा करने लगते हैं। लोहड़ी वाले दिन शाम को आग जलाई जाती है। अग्नि के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और नाचते गाते हैं। साथ ही आग में रेवड़ी, मूंगफली, खील, मक्की के दानों की आहुति भी देते हैं। लोग आग के चारों ओर बैठते हैं और आग सेकते हैं। वह रेवड़ी, खील, गज्जक, मक्का खाते हैं। जिस घर में नई शादी या बच्चा हुआ हो और जिसकी शादी के बाद पहली लोहड़ी या बच्चे की पहली लोहड़ी होती है, उन्हें विशेष तौर पर बधाई देते हैं। लोहड़ी को पहले तिलोड़ी कहते थे। तिलोड़ी शब्द तिल तथा रोड़ी, गुड़ की रोड़ी शब्दों को मिलाकर बना है, जो अब बदल कर लोहड़ी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। माना तो ये भी जाता है कि एक समय में दो अनाथ लड़कियां थीं, जिनका नाम सुंदरी और मुंदरी था। उनकी विधिवत शादी न करके उनका चाचा उन्हें एक राजा को भेंट कर देना चाहता था। उसी समय में एक दुल्ला भट्टी नाम का डाकू हुआ करता था। उसने सुंदरी एवं मुंदरी को जालिमों से छुड़ाकर उनकी शादियां करा दी। दुल्ला भट्टी ने इस मुसीबत की घड़ी में लड़कियों की मदद की। दुल्ला भट्टी ने लड़के वालों को मनाया और एक जंगल में आग जलाकर सुंदरी और मुंदरी का विवाह करवा दिया। उन दोनों का कन्यादान भी दुल्ले ने ही किया था। ये भी कहा जाता है कि शगुन के रूप में दुल्ले ने उनको शक्कर दी थी। दुल्ले ने उन लड़कियों को जब विदा किया तब उनकी झोली में एक सिर शक्कर डाली। दुल्ला भट्टी ने डाकू होकर भी निर्धन लड़कियों के लिए पिता की भूमिका निभाई। साथ ही ये भी कहते हैं कि ये पर्व संत कबीर की पत्नी लोई की याद में मनाते हैं, इसीलिए इस पर्व को लोई भी कहते हैं। इस प्रकार पूरे उत्तर भारत में ये त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। स्पेशल डे में सिर्फ इतना ही। आपको हमारी रिपोर्ट ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। इस तरीके की तमाम जानकारी के लिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।